नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के नतीजे आए। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी जीते। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत भी राज्यसभा पहुंचे। जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस में उत्साह। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर विधायकों को दी बधाई। सुरजेवाला ने कहा, प्रजातंत्र की जीत हुई, षड्यंत्र की हार। विधानसभा की वोटिंग में 200 में से 198 विधायक पहुंचे थे वोटिंग करने। ऑस्ट्रेलिया से आए एमएलए वाजिब अली ने पीपीई किट पहनकर की वोटिंग। बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई। और 77% रिकवरी रेट के बावजूद नहीं थम रहे कोरोना के केसेस। सुबह के बुलेटिन के मुताबिक 52 नए केस, जयपुर में 9 तो झुंझुनू में 13 नए पॉजिटिव केस। तो पिछले कई दिनों से राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी आज थम गई है। राज्यसभा की 3 सीटों का रिजल्ट आ गया है और कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत भी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं, उन्हें 54 वोट मिले हैं। वहीं ओंकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले हैं। केसी वेणुगोपाल 3 बार के विधायक हैं, वहीं 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और इस जीत से राजस्थान कांग्रेस में खास तौर पर खुशी की लहर है। आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही थी और ऐसे में ये जीत खासी मायने रखती है। बहुमत में बदलने के लिए किया गया षड्यंत्र के दांत, जैसा हमने कहा था, राजस्थान की बहादुर जनता और राजस्थान के बहादुर विधायकों ने खट्टे कर दिए। श्री राहुल गांधी जी के 50वें जन्मदिवस पर ये सबसे बेहतरीन तोहफा है जो राजस्थान की बहादुर जनता और राजस्थान के बहादुर विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। चाहूँगा कि बहुत शानदार मतों से वो विजय प्राप्त हुए हैं। ये हमारी विजय है श्रीमती सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम प्रिंसिपल की विजय है। मुझे खुशी है कि तमाम विधायकों ने एकजुट होकर के वोट दिए, विजय प्राप्त की। संशय का कहीं प्रश्न नहीं था कांग्रेस के लिए। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख के बाद जबरदस्ती राजस्थान पे थोपा। 18 तारीख को ही विड्रॉल का लास्ट डे था, वो चाहते तो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करवाते। ये राज्यसभा का चुनाव टोटली नंबर गेम है और जब आंकड़े उनके पास नहीं थे, विधायक उनके पास नहीं थे, तो निश्चित रूप से पूरे देश में जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, खरीद फरोख्त की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति उन्होंने करी है और जिस तरह से लोकतंत्र को उथल पुथल करने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो उन्होंने यहाँ भी कोशिश करी, राजस्थान में भी, उसके अंदर वो नाकामयाब रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संशय हमारे यहाँ नहीं था, संशय वहाँ था। उन्होंने चौथा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, ये प्रश्न उनसे ही किया जाना चाहिए। वहीं बात करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा और संवाददाता रामस्वरूप भी जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। संजय जी हमारे साथ जुड़े रहे। रामस्वरूप, ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से देखा जा रहा था, बहुत ही गहमा गहमी चल रही थी इन चुनावों को लेकर, तो आखिरकार उन 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, किस तरह से मनाई जा रही है इस जीत की खुशी? देखिए, खुशी का माहौल पूरा है यहाँ पर कांग्रेस में। अभी जितने भी प्रत्याशी हैं वो विधानसभा के अंदर ही हैं और वहाँ पर उनको जो रिटर्निंग अधिकारी है वो वहाँ पर उनको जीत का विधानसभा के ठीक बाहर एक बड़ा माहौल है। बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और फूल मालाएं वगैरह लेकर आए हैं। आतिशबाजी का सामान भी उनके पास है, वो आतिशबाजी करेंगे। लेकिन जब हमने बात की चुनाव परिणाम आने के बाद में सुरजेवाला साहब से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि षड्यंत्र के कार्यों की यहाँ पर हार हुई है और जो अच्छी विचारधारा थी उसकी यहाँ पर जीत हुई है। जिस तरह के षड्यंत्र पिछले दिनों में रचे जा रहे थे भाजपा के द्वारा, ये उनका आरोप है कि जिस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनकी करारी हार हुई है और प्रदेश जितने भी विधायक हैं सभी ने ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग किया, सभी एकजुट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस की जीत है और ये खासतौर पर ये आज राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन है तो इस पर एक बड़ा तोहफा राजस्थान की तरफ से कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। जी,
हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी भी हैं। संजय जी, कांग्रेस नेता डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहीं ना कहीं, इवन पार्टी भी बहुत आश्वस्त थी इस जीत को लेकर, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कि लास्ट मोमेंट पे कोई जोड़ तोड़ ना हो जाए, अपने विधायकों को उन्होंने सेफली रिजॉर्ट में ठहरा दिया। तो आज उसी आश्वासन और उसी कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं हम, जीत के तौर पर दो सीटों पर जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। इस जीत के मायने कांग्रेस के लिए क्या हो सकते हैं? रितिका जी, ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने राजस्थान में दिखा दिया है कि उसकी पार्टी एकजुट है। जिस तरह की तोड़फोड़ बीजेपी अन्य राज्यों में करती आई है, यहाँ पे उसकी वो कोशिशें मुख्यमंत्री ने समय रहते विफल कर दी। उन्होंने भांप लिया था कि बीजेपी ये कोशिश करेगी, क्योंकि जब उसने अपना दूसरा उम्मीदवार ज़बरदस्ती खड़ा किया, ये माना जा रहा था कि अगर तीन उम्मीदवार खड़े होते तो निर्विरोध चुनाव होता। बिना संख्या बल होते हुए भी जब उसने खड़ा किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय रहते खतरा भांपा और अपने विधायकों को एक मीटिंग के बहाने बुलाकर उन्होंने उनको एक होटल में बाड़ाबंदी कर दी। बीजेपी को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, वो सोच रही थी कि अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत पहले ऐसा किया। इसके अलावा दो खास बातें हम मान सकते हैं। पहली ये कि देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक थे वो कभी वोट नहीं किया करते थे, वो हमेशा दूरी बना के चलते थे, क्योंकि उनके इतने पास इतने वोट नहीं होते थे कि उनका अपना कैंडिडेट खड़ा हो सके, तो फिर वो बाकी दलों को भी वोट नहीं देते थे। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि सीपीएम के जो विधायक हैं दो, वो उनके बीमार थे। तो बीजेपी कांग्रेस के पास जो कुल एक वोट थे वो तमाम वोट कांग्रेस को पड़े, लेकिन अब बीजेपी को चूंकि एक वोट रिजेक्ट हो गया है तो ये संशय रहेगा, एक षड्यंत्र का एक वो नया आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। पहले तो हालांकि देखा जाएगा कि किस विधायक ने ये गलती की है, और भले ही उसने अनजाने में गलती की हो, लेकिन एक संदेह का घेरा तो उस विधायक के ऊपर पुख्ता हो ही जाएगा। संजय जी, बीजेपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही वो टेंशन में थी, टेंशन की बात थी उसके लिए, क्योंकि अपने दूसरे विधायक को, अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए उसको 20 से 30 तक के वोट्स चाहिए थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जुगाड़ नहीं बन पा रहा, जिसके चलते सिर्फ एक ही सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी। देखिए, ये बीजेपी को शुरू से मालूम था कि वो अपने दूसरे प्रत्याशी को नहीं जिता सकती है। उसका एकमेव उद्देश्य जो था वो अशोक गहलोत को एम्बेरेस करना था, कांग्रेस को एम्बेरेस करना था, ये दिखाना था कि ये सरकार अंतर विरोधों से गिरी हुई है, सत्तारूढ़ दल में असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती आ रही है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे हैं, तो उस खेमे की वजह से जो रस्साकशी चलती है वो उसका फायदा उठाने की फिराक में थी। और उसका ये उसकी एक कोशिश थी कि अगर एक वोट भी कांग्रेस का निरस्त हो जाए या क्रॉस वोटिंग हो जाए तो वो ये उसका ये जो दावा है सरकार में अंतर विरोध का, कांग्रेस पार्टी में असंतोष का, उसको उसको एक अप्रूवल मिल जाता है, उसको समर्थन मिल जाता है। तो उसकी वो ये भी वही तो वो जानती थी कि हमारा दूसरा कैंडिडेट जीत नहीं सकता, तो इसलिए। लेकिन अब उसका अपना ही एक वोट निरस्त हो गया है तो ये उसके लिए बड़ी एम्बेरेसमेंट की बात है। और इसके अलावा जो अन्य पार्टियां थी, मान लीजिए जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसको वो नहीं तोड़ सकी, तो ये भी उसके लिए एक नाकामयाबी है। और निर्दलीय विधायक एक भी नहीं गया उसके साथ, तो उसने कोशिश पूरी की कांग्रेस को हैरान परेशान करने की। चाहे वो ये आरोप लगाया कि जो एक विधायक है ऑस्ट्रेलिया से आए उन्होंने वोट क्यों किया, या निर्दलीय विधायक कांग्रेस के एजेंट को वोट नहीं दिखाएंगे, तो ये तमाम तकनीकी मुद्दे लेकर के, और वो अंत तक कोशिश करते रहे कि कांग्रेस खेमे में उसको एक परेशान किया जाए। जी रामस्वरूप, बीजेपी की बात हो रही है तो आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के खेमे से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि सिर्फ एक ही सीट पर वो जीत दर्ज कर सकेंगे। देखिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ओंकार सिंह लखावत, उन्होंने सुबह जब यहाँ पर आए थे तब भी उन्होंने इस बात का कह दिया था कि हमारे जो है एक प्रत्याशी की जीत है, और खुद के लिए उन्होंने पहले भी कहा था कि मैंने पार्टी के कहने से यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है, और मैंने खुद के लिए कभी वोट किसी से मांगा ही नहीं है, कोई चाहे कोई भी भाजपा के विधायक को वोट के लिए नहीं कहा है। ये जो चुनाव है सीधा चुनाव नहीं है, पार्टी का चुनाव होता है, पार्टी का जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश था इसलिए मैंने नामांकन किया, और जो करना था पार्टी को करना है, इसलिए कह सकते हैं कि वो तो पूरी तरह से न्यूट्रल की भूमिका में ही हमें देखने को मिले शुरुआत से ही। और जहां तक आज की बात करें तो आज
एक वोट जो है बीजेपी का खारिज हुआ है, वो लखावत जी के जो पक्ष में होना था वो खारिज हुआ है। पहले शुरुआत में देखा था कि उनको 21 वोट मिले थे, लेकिन बाद में जब एक वोट निरस्त हुआ तो लखावत जी के हिस्से में सिर्फ 20 वोट आए हैं। जहां तक ऑल ओवर वोटों की बात करें तो राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं, तो 200 वोट होने चाहिए, लेकिन मंत्री जो मास्टर भवनलाल मेघवाल है वो बीमार है, गुरुग्राम के जो मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती है कई दिनों से, तो वो वोट करने के लिए नहीं आ पाए। दूसरे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक हैं वो भी स्वास्थ्य कारणों को चलते वोट नहीं आए। ऐसे में कुल जो वोट पड़े हैं वो 198 वोट पड़े हैं और उनमें से एक वोट खारिज हुआ है, तो 197 वोटों की गिनती हुई थी जिसका परिणाम अब सबके सामने आ चुका है। जी, तो परिणाम हम सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस ने 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत दर्ज करी और 1 सीट गई है बीजेपी के खेमे में, जिस पर राजेंद्र गहलोत ने अपना परचम लहराया है। संजय जी, अब कांग्रेस के अगर अब गणित देखा जाए तो कांग्रेस के राजस्थान से 3 राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के 7, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी बीजेपी ऊपर ही नजर आ रही है। देखिए, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब 2013 के चुनाव हुए थे तो उसमें उसके बाद जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं तो उस समय कांग्रेस के सिर्फ 21 विधायक थे और बीजेपी के 164, तो इसलिए कांग्रेस का तो बल्कि पिछले साल तक एक भी राज्यसभा में कोई सांसद नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे उनकी जब मृत्यु हुई और उसकी वजह से उपचुनाव हुए तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने भेजा और अपना खाता खोला था वहाँ पे। लेकिन अब आने वाले समय में ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जब 2022 में चुनाव होंगे 4 सीटें खाली होगी, तो अपने संख्या बल के बूते कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है, और उसके बाद जब 2024 में फिर 3 सीटों पर चुनाव होंगे तब फिर कांग्रेस उसमें से 2 सीटें जीत सकती है। तो 2024 तक कांग्रेस के 5 और सांसद राज्यसभा में पहुँच जाएंगे। जी शुक्रिया संजय जी और शुक्रिया रामस्वरूप आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर राजस्थान से, राज्यसभा की जो 3 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए हैं उस पर से 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और 1 सीट बीजेपी ने हासिल करी है। कांग्रेस के जो 2 प्रत्याशी थे केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, उन दोनों ने ही ये जीत हासिल करी है और साथ ही साथ बीजेपी के 2 प्रत्याशी जो राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत थे, उसमें से राजेंद्र गहलोत राज्यसभा पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें, चुनाव के लिए आज 200 में से 198 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बीमारी की वजह से मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक गिरधारी महिया वोट नहीं डाल पाए। आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी और उसके सहयोगी बस से विधानसभा पहुंचे और इसके बाद कांग्रेस के विधायक बसों से विधानसभा पहुंचना शुरू हुए। कांग्रेस खेमे की ओर से पहला वोट सीएम अशोक गहलोत ने डाला। कांग्रेस ने आज के लिए 6 लग्जरी बसों की व्यवस्था करवाई थी। विधानसभा पहुंचने पर सभी की स्क्रीनिंग भी की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें राजस्थान में सबसे पहला वोट अशोक गहलोत ने डाला और सीपी जोशी ने भी वोट डाला। हालांकि वोटिंग के लिए विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बाकी सारे पूरे इंतजाम भी किए गए थे, जहां स्कैनर लगाकर सभी का तापमान चेक किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सैनिटाइजर भी उपलब्ध था। वहीं ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर सीधे राजस्थान विधानसभा में मतदान करने पहुंचे विधायक वाजिब अली के खिलाफ जयपुर के ज्योतिनगर थाने में शिकायत दर्ज हुई। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नरूका ने ये शिकायत दर्ज कराई है और आपको बता दें कि नरूका ने आरोप लगाया है कि विधायक वाजिब अली ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। विदेश से आने पर उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में रहना जरूरी था, लेकिन वो इस एडवाइजरी का उल्लंघन करते हुए सीधे मतदान करने पहुंच गए। आपको बता दें कि वाजिब अली ने बाद में पीपीई किट पहनकर वोट दिया था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा किसी बात का था नहीं, चुनाव वो पहले से ही हारे पड़े थे, चौथे उसके लिए उन्होंने खड़ा जिन मंसूबे पे किया था, जिन गलत इरादों के तहत उन्होंने चौथा कैंडिडेट खड़ा किया था, वो उनके पूरे हो नहीं पाए, तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने चलो कि इस तरह के हंगामा किया जाए। मुझे लगता है कि क्योंकि
हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। संजय जी, यहाँ एक विधायक पीपीई किट पहनकर पूरे एहतियात बरतकर भी पहुंच रहा है वोट देने के लिए, तब भी उस पर एक शिकायत दर्ज की जा रही है। इसको किस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर भी बीजेपी कोशिश कर रही थी कि एक वोट भी कम कर दिया जाए? देखिए, ये केवल मामले को राजनीतिक रंग देना है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। और इसीलिए बीजेपी ने ये, मैंने आपसे जैसा पहले भी जिक्र किया कि तकनीकी जो चीज़ें थी उनको आधार बनाकर वो कांग्रेस को थोड़ा परेशान करना चाहती थी। देखिए, ये गलती रिटर्निंग ऑफिसर की थी, क्योंकि पहले ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया था और उसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संबंधित संदिग्ध है या कोई बीमार है या कोई अस्पताल में भर्ती है तो उसका वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डलवाया जाएगा। तो अगर रिटर्निंग ऑफिसर चाहते तो वो आराम से इन विधायक महोदय को पोस्टल बैलेट उपलब्ध करा सकते थे और उनसे पोस्टल बैलेट से मतदान करवा लेते, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। तो मताधिकार तो उनका, मत देना तो उनका अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग तो वो करेंगे। तो और ऐसा नहीं है कि केवल ये यही, क्योंकि बीजेपी के कुछ विधायक भी जो है वो बाहर से आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दूसरे राज्य से आई थी। तो एक राज्य से राजस्थान, दूसरे किसी राज्य से आप राजस्थान में आते हैं तब भी आपको क्वारंटाइन होना था। तो वसुंधरा राजे के भी 14 दिन तो पूरे नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया वो जानबूझकर, उसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जी, रंग दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। रामस्वरूप भी हमारे साथ जुड़े। रामस्वरूप, आपसे एग्जैक्टली जानना चाहूंगी कि हुआ क्या था, जब वो पहले वोट देने आए तो उनको रोक दिया गया, फिर वो पीपीई किट पहनकर वोट देने आए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया, हुआ क्या था? देखिए, पहले जब वाजिब अली आए थे तब उनके पास वो पीपीई किट वगैरह नहीं था, वो सीधे वोट देने के लिए आए थे, बाकायदा लाइन में लगे थे। और उसके बाद में जब उन्होंने मतपत्र भी लिया, वोटिंग भी की, मतपत्र जो अब जो एजेंट को दिखाते हैं वो दिखाया भी था, जब वो अपना मतपत्र जमा करने के लिए जा रहे थे तब जो है उस दौरान जो है शिकायत दर्ज कराई थी राजेंद्र राठौड़ के द्वारा कि इन्होंने जो है उल्लंघन किया है एडवाइजरी का, तब उनका मतपत्र जमा नहीं किया गया था। उस टाइम थोड़ा सा बखेड़ा हुआ था। तब उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था तब काफ़ी एक गहमे का माहौल हो गया था। तब बात जब है सी पी जोशी के पास पहुंची, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंची, तब दोबारा से उनको पीपी किट पहना करके सारे जो एडवाइजरी जो होती है उनके नियमों को फॉलो करवा करके दोबारा उसी मतपत्र को जो है लेकर के बाद में जमा करवाया गया। इसी दरमियान जो विधि प्रकोष्ठ के भाजपा के जो संयोजक हैं सुरेंद्र सिंह नरुका, उन्होंने जो है इस बात को लेकर के ज्योतिनगर जो थाना है वहां पर एक परिवाद दर्ज कराया है कि इन्होंने एडवाइजरी का उल्लंघन किया, जितने भी बाकी जो विधानसभा के सदस्य हैं, बाकी जो विधानसभा के कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन सब की जान को जोखिम में डालने का उन पर आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने खुद ने अपनी बात रखी थी वाजिब अली ने, उन्होंने कहा कि मैंने, जैसे ही मैं इंडिया में आया हूं उसके बाद मैंने मेरा मेडिकल चेकअप कराया है, मैं कोरोना से नेगेटिव हूं, पॉजिटिव नहीं हूं, इसी के बाद मैं यहां पर मैं आया हूं। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य सरकार कोरोना के खतरे को लेकर एकदम चौकस हो गई है। 15 डॉक्टरों की एक टीम राजस्थान विधानसभा पहुंची, जहां आज राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, और इस टीम ने उन विधायकों का सैंपल लिया जो या तो दूसरे राज्यों से आए थे या फिर विदेश से आए थे। तो रामस्वरूप, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये खबर है, यहाँ पर पूरे एहतियात बढ़ते गए हैं और यहाँ पर अब तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता कि किसका मेडिकल चेकअप हुआ है किसका नहीं। और जहाँ आज राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, इस टीम ने उन विधायकों का सैंपल लिया, इस पर चर्चा करूंगी अपने संवाददाता से, लेकिन यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2672। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकर ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल।
कॉल 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में रिकवरी रेट भले ही बेहतर हो गया हो, लेकिन इसके साथ मामलों में कोई कमी नहीं आई है। सुबह 10:30 बजे के बुलेटिन के मुताबिक 52 नए केसेस सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो वहां 9, हनुमानगढ़ में 3, झालावाड़ में 2 और झुंझुनू में 13 केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 331 हो गया है। तो कोरोना की अगर बात की जाए तो राजस्थान में रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मामलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जुड़ते हैं हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, रिकवरी रेट भले ही अच्छा हो, लेकिन यहां मामलों में कोई कमी नहीं आती हुई नजर आ रही। सुबह जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें तब तक 52 नए केसेस सामने आ चुके थे। रामस्वरूप, बिल्कुल, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले कई दिनों से जो है लगातार हमने बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, देश की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। 77.66 से ज़्यादा जो है रिकवरी रेट राजस्थान की है, ये काफ़ी अच्छी और राहत भरी खबर कह सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है और उसमें भी बहुत लोग पॉजिटिव ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं पाया जा रहा है, यानी कि न उनको बुखार, न जुकाम, न खांसी, न कोई और उनकी तबीयत खराब है। उसके बावजूद भी जब उनका सैंपल ले लिया जाता है तब उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना से संक्रमित पाई जाती है। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि चिंताजनक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब से लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है 1 जून के बाद से, और जब से 8 जून के बाद में जब सभी तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, लोगों की आवाजाही जो है सामान्य दिनों की तरह हो गई है, तो उसके बाद कह सकते हैं कि संक्रमण जो है ज़्यादा फैल रहा है। हालांकि टेस्टिंग की संख्या भी राजस्थान में बड़ी तेज़ी से हो रही है, करीब 19,000-20,000 के आसपास प्रतिदिन जो है सैंपलिंग राजस्थान में होती है, ये एक अच्छी बात है। इससे चिकित्सा मंत्री का कहना है कि जितने भी जो भी स्थिति प्रदेश में है उसकी वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए सैंपलिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसीलिए सैंपलिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि जो लोग चाहे दूसरे जिलों से आ रहे हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, आसपास के राज्यों से आ रहे हैं अपने घरों के लिए, लेकिन उनमें बिना किसी सिम्टम के बावजूद भी, बिना कोई तबीयत खराब होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित वो पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब बाहर से व्यक्ति आता है तो 1-2 दिन वो घर पर भी रहता है, क्योंकि सैंपल लेने के बाद में रिपोर्ट जब अगले दिन आती है तब तक वो घर पर रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, पत्नी बच्चों के साथ रहता है, तो जब उसका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आती है तब तक उनके घर वालों की रिपोर्ट भी लेनी पड़ती है। एक बड़ी जी बात है कि गवर्नमेंट जब बढ़ने लगा है उसके बाद से ये तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। सैंपलिंग लगातार जारी है, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मामले भी कहीं ना कहीं संक्रमितों के बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में प्रदेश के कई कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर शुरू होने से पहले चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं राहुल गांधी के जन्मदिवस पर उप मुख्यमंत्री चीफ सचिन पायलट की ओर से कोरोना वॉरियर्स की को मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर्स बांटे गए। सचिन की ओर से जयपुर के शास्त्री नगर ने कावंटिया अस्पताल में डॉक्टर और नर्स स्टाफ को मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर्स वितरित किए। और इसी के साथ स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।